हे गाइस, वेलकम बैक टू हियर। तो कैसे हो आप सभी लोग गाइस? क्या बोलो यार, मैं मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। वैसे मैंने आप लोगों को याद होगा तो मैंने कम्युनिटी में अपने शेयर किया था, तो उसके बाद आप लोगों को पता है ना, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। उसका रीज़न आप लोगों को मैंने बता दिया है, कम्युनिटी में शेयर कर दिया था। यार मैं रो रही हूँ, मेरे पापा जी जो है मुझे छोड़ करके चले गए हैं, हम सबको छोड़ करके अकेला चले गए हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, अब क्या बताऊँ यार। काम कर रही हूँ बट दिमाग में जो है ना मेरे एक ही चीज़ चल रही है कि मेरे पापा जी मुझे छोड़ करके चले गए। ऐसा लगता है मेरा बचपन ही ख़त्म हो गया है। मैं घर जाती थी, मुझे लेने आ जाते थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने ये चीज़ हमें कभी नहीं सिखाई कि ज़िंदगी में रुकना, आगे हमेशा बढ़ते रहो। घर परिस्थितियाँ जैसी भी हों, अपना काम कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा स्ट्रांग बन के रहना है। उन्होंने हमेशा सिखाया है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हंस के जो है उसे फेस करना चाहिए, क्योंकि हम रोएंगे तब भी जो है उस परिस्थिति को हम नहीं बदल पाएंगे, उसे तो हमें पार करना ही है, फेस करना ही है, तो क्यों ना हंस करके करें। बस उन्होंने यही मुझे सिखाया, हम सबको, हम भाई बहनों को यही हमेशा सिखाया है। और हमेशा वो जो है ना, कभी भी मैंने नहीं देखा उनको कि किसी भी परिस्थिति में जो है वो घबराए हों। बहुत ही आसानी से और बहुत ही हिम्मत से उन्होंने जो है सारी परिस्थितियों को पार किया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे घर पर मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो जो है घबरा रहे हों, या फिर मैंने उन्हें कभी रोते हुए देखा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ यार। बहुत ही हिम्मत थी उनमें, उनकी थोड़ी सी हिम्मत काश मुझ में आ जाती। अब मैं जो भी काम करती हूँ ना, तो मैं यही सोच करके करती हूँ कि अगर पापा जी होते इस पे तो वो क्या करते। बस बार बार यही सोच सोच करके जो है फील करती हूँ कि पापा मेरे साथ हैं। और वैसे भी पापा जी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ हैं। वो हम लोग से इतना प्यार कर सकते थे, करते थे, वो कैसे हमको छोड़ के जा सकते हैं। तो हर चीज़ में जो है मेरे पापा जी हैं। मैं यहाँ अगर देख रही हूँ इस साइड, दरवाजे की साइड, तब भी मुझे पापा जी नज़र आते हैं। मतलब हर जगह वो हैं, तो फिर कैसे गए हैं वो हम लोग को छोड़ के? वो कहीं नहीं गए, वो उनका खुद ही मन नहीं लगेगा, वो हमारे साथ ही है यार। जो हुआ सो हुआ, बट दुख तो इस बात का रहेगा कि इस लॉकडाउन ने ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं ना आखिरी टाइम ना उनके साथ थी, ना मैं उनको छू भी नहीं पाई यार। उस दिन कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही थी, कोई ले जाने कोई तैयार नहीं था, तो कैसे जाती मैं? सबसे ज़्यादा दुख जो है इसी बात का रहेगा कि मैं उनके लास्ट टाइम में उनके पास नहीं थी। गई फिर दूसरे दिन मैं गई थी गाड़ी करके, बहुत मुश्किल से एक गाड़ी मिली। मतलब मेरी जो छोटी बहन है, उनके हस्बैंड का यही काम है, मतलब गाड़ियों का है उनका, तो उन्होंने मुझे यहाँ से अरेंज करके जो है एक गाड़ी दिलाई थी। फिर मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों गए थे। और ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी मेरे सामने कि मुझे दूसरे दिन आना पड़ा। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस हाल में थी। मैं दूसरे दिन मुझे जो है घर आना पड़ा, अपने ससुराल आना पड़ा। चलो नीचे मम्मी मुझे बुला रही हैं, आवाज़ दे रही हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने ऐसा क्यों कहा। चलो अभी नीचे चलते हैं। चल रही है सीढ़ियाँ, बची मैं तो। तो मैं जा रही हूँ ब्रेड और दूध लेने, क्योंकि सुबह से लेकर के आना पड़ता है, तो ले के आ जाऊँ।
देखो यहाँ पे आती हूँ मैं दूध लेने। कल के भी पैसे थे कुछ, भाभी आई थी लेने। भैया वो दूध का पैकेट दे दो बड़ा वाला। कुछ पैसे थे ना, मम्मी जी तो बोल रहे थे पैसे नहीं थे। ठीक है तो दो चलिए। बटर है क्या? एक बटर दे देना। तो ये छोटी सी दुकान है भैया की, यहीं पर दूध लेने आते हैं, तो मैं दूध लेकर के आ गई हूँ। अब जा रही हूँ मैं गेट लगाने, उसके बाद सीधे ऊपर जाऊँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने, आलू वाला जो है सैंडविच बनाया है। तो नाश्ता करूँगी फिर उसके बाद, मैंने रेसिपी नहीं दिखाई है, बहुत सिंपल था क्योंकि, उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो अभी मैं बिल्कुल नहा करके आई हूँ तो और गर्मी लगने लगी। जब नहा रहे थे, जब नहाते रहो पानी डालते रहो तब तक तो ठीक है, बाहर आने के बाद और गर्मी लगती है। तो अभी खाना वाना कुछ हुआ नहीं है, अचानक से पापा जी को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो मम्मी भाभी और पापा जी जो है हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि पापा जी को भी बहुत ज़्यादा अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, मतलब मेरे ससुर जी की, उनको भी शुगर बहुत ज़्यादा है, बीपी भी है, और शुगर जो है कंट्रोल नहीं हो रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से जो है उनकी आइज़ में भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आइज़ वाले डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला पहले शुगर कंट्रोल करो उसके बाद इंजेक्शन लगेंगे। तो अभी एक हफ्ते से जो है उनको बहुत सारी चीज़ें, मतलब करेले का जूस और एक और कुछ है यार, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बहुत कड़वा होता है, वो दे रहे हैं पापा जी को। तो उससे जो है काफ़ी हद तक शुगर कंट्रोल हुई है आज, मतलब काफ़ी कम है। तो डॉक्टर से पूछा था फ़ोन करके कि इंजेक्शन लगवा लें क्या, आइज़ के लिए है, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब चीज़ें जो है बहुत अपनी जगह से अलग दिख रही है, तो उसके लिए इंजेक्शन लगने हैं उनको। तो अभी फ़ोन करके पूछा, उन्होंने बोला कम है तो आप आ जाओ, एक दो इंजेक्शन लगने हैं, तीन इंजेक्शन। तो अभी इसलिए भाभी पापा जी और मम्मी जी दो हैं, तीनों गए हुए हैं हॉस्पिटल उनको इंजेक्शन लगवाने। तो अभी बच्चे लोग हैं घर पे, मैं हूँ, क्योंकि घर पे भी कोई चाहिए ना देखने के लिए। एक मिनट मैं आपको फिर से लगाती हूँ, एक्चुअली मैं किसी का कॉल आ रहा है। तो हाँ, कॉल आ रहा था वो डिलीवरी बॉय का, एक्चुअली एक पैकेज रिसीव हुआ है मुझे, मैं दिखाती हूँ आपको। वो ये बॉक्स जो है अभी आया हुआ है, ये आप देख सकते हो, इसी डिलीवरी बॉय का कॉल आ रहा था, और ये भेजा है मुझे एवरटीन वालों ने। एवरटीन के प्रोडक्ट्स आते हैं ना वो सारी, मतलब उन्होंने मुझे ये पैकेज भेजा है। अब मैं ओपन करके दिखाऊँगी आपको कि क्या क्या है, तो बहुत जल्द इसमें भी वीडियो आप लोगों को देखने मिलेगी। और नेचर श्योर का ये जोंग शैम्पू भी है, मतलब जोंग शैम्पू और ऑयल दोनों चीज़ें एक सी हैं, एक ही कंपनी की हैं। उसके बाद है ये एवरटीन का डिज़ायरेबल ऑलवेज नेचुरल इंटीमेट हाइजीन वाइप्स, ये है वाइप्स। उसके बाद है ये पैंटी लाइनर, एवरटीन का पैंटी लाइनर। तो अगर आप लोग नहीं जानते ना पैंटी लाइनर क्या होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। और बात करते हैं कि मैंने अपनी थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा कि, मतलब किसको चूज़ करूँ, अपने मतलब पापा को या बच्चों को, दोनों में किसको चूज़ करना है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा और ऐसी क्या सिचुएशन जो है मेरे ऊपर आ गई थी कि मुझे जो है अपने बच्चों को चूज़ करना पड़ा। तो वो ये है कि जब मैं घर गई थी अभी, जब पापा जी की डेथ हो गई थी, उस दिन तो मैं जा नहीं पाई, उसके दूसरे दिन गए थे हम लोग गाड़ी करके। तो ऐसा हुआ था कि अब जब भी मैं जाती हूँ ना अपने घर, तो यार दोनों बच्चे बीमार हो जाते हैं। मुझे पता नहीं क्या उनको गांव का जो है एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता या क्या है कैसा, मुझे नहीं समझ में आता। आर्यन भी जब छोटा था तो उसको बहुत आर्टिकेरिया हो गया था, बहुत परेशान हुई थी, 3 महीने लग गए थे उसको ठीक होने में। अभी छोटे वाले को लेके गई थी तो उसको निमोनिया हो गया था। अब पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो कुछ ना कुछ उनको हो ही जाता है। तो इसी चीज़ से डर रहे थे हम लोग,
और फिर ये हुआ कि कोरोना भी चल रहा है इस टाइम पे, तो बहुत ही गंदी सिचुएशन है, ना डॉक्टर देख रहे हैं, ना हॉस्पिटल में कोई चेकअप कर रहा हो। हॉस्पिटल से जाना तो जितना अच्छा, जितना ज़्यादा बच सको हॉस्पिटल में जाना है अवॉइड करो। तो ऐसा था कि दूसरे दिन मैं गई थी और तीसरे दिन उसके मुझे लौट करके आना पड़ा। रीज़न मतलब ये था कि यार अगर बच्चों को ठीक है, अब पापा जी का ऐसा हुआ, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो है सामने उसे देखना ज़रूरी है पहले। तो इन लोग को जो है ना सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है किसी भी चीज़ का, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि उस टाइम पे। फिर ये होता है कि जब कुछ हो जाता है तो घर में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो आना जाना चल ही रहा था लोगों का। तो हम लोग इस चीज़ से डर रहे थे कि अगर मान लो बाय चांस भगवान करे ऐसा ना नहीं होता, 90% जो चांसेस थे वो नहीं होने के थे कि ठीक है नहीं होगा, मगर 1% चांस था ना कि यदि बाय चांस हो जाता, किसी भी दोनों बच्चों में से किसी एक को भी हो जाता, तो मैं क्या करती, मैं बहुत परेशान हो जाती। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत में पड़ जाती मैं अगर उस बच्चे को, छोटे बच्चे को हो जाता है। यार उसके अंदर तो इम्यूनिटी नाम का जो है ना 0% है, उसके अंदर इम्यूनिटी नाम की चीज़ भी नहीं है ऐसा लगता है। तो इसलिए मुझे जो है दूसरे दिन आना पड़ गया बच्चों को लेकर के। मम्मी ने भी बोला ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो अपने बच्चे को देख, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है तुझे, यहाँ तो सब हैं, संभालने वाले दीदी है, भैया है, सब है, तुझे अभी बच्चों को देखना है, अगर उनको कुछ हो गया तो ये भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, कौन भाग दौड़ करता, कौन देखता, बस कौन भाग दौड़ करता ये बात नहीं थी, बात ये थी कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। यार कुछ भी होता है तो हम तो परेशान होते ही हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बच्चों को होती है ना। तो पहले मुझे बच्चे को देखना था इसलिए मुझे आना पड़ा। और सीरियसली तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब यार दिल पे पत्थर रख के आई हूँ। एक तरफ मतलब मेरे मम्मी है जिन्हें मुझे सहारा देना, और एक तरफ मेरे बच्चे जिन्हें भी मुझे ही संभालना है। तो बस इसी डर से हम लोग जो है मुझे आना पड़ा कि अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है यार जो कि दिखती नहीं है, अगर दिखे तो हम समझ जाए ना कि इस व्यक्ति को है, जिसे होता है उसे खुद नहीं समझ में आता है कि मुझे कोरोना है। तो दिक्कत यही थी, अगर छोटे बच्चे को हो जाता तो हम ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते, वहाँ सबको फिर उनको छोड़ के वो मेरे बच्चों के पीछे पड़े होते, मतलब ये कि उन्हें देखना है, बच्चे को कुछ हो नहीं जाए ये वो, तो उनको संभालना ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें कि आपको ना दोनों में से किसी एक चीज़ को जो है चूज़ करना पड़ता है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था ना मेरे ना दोनों साइड खाई है, मैं यहाँ कूदूँ तब भी खाई है, यहाँ कूदूँ तब भी खाई है। मतलब यार बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर मम्मी ने मेरे को समझाया, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, जो कि खुद उनको इतनी बड़ा उनके ऊपर खुद इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, तो उन्होंने ही मुझे समझाया कि बेटा जिसको जाना था जो गया ठीक है, अब उनको तो कोई नहीं लौटा के ला सकता, उस चीज़ को तो कोई नहीं बदल सकता, बट अभी जो है उसे देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चा बहुत छोटा है, तेरी ज़रूरत है उनको, यहाँ तो सब संभाल लेंगे, मुझे दीदी संभाल लेगी, भैया संभाल लेगा, बहुत सारे लोग हैं मुझे संभालने वाले, बट बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, वो ज़्यादा बड़ी टेंशन होगी। तो इसलिए उन्होंने भी यही बोला कि तू घर जा, अपने बच्चों को देख और अपने पापा का ध्यान रख, ये कंपनी वाले तो और परेशान करते हैं। तो इसलिए मुझे दूसरे दिन ही आना पड़ा, जिस चीज़ के लिए आप सीरियसली मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगी कि यार लास्ट टाइम में मैं उनके साथ नहीं थी और फिर उसके बाद मम्मी को भी मैं ऐसे छोड़ के आ गई, तो इस चीज़ के लिए तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अब पता नहीं मैंने सही किया या गलत, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप लोग ही बताओ मैंने गलत किया या सही किया। मैंने पहले अपने बच्चों को देखा, क्या करूँ यार, मैं भी मजबूर थी।
तो ऐसा लगता है ना, शादी नहीं होनी चाहिए यार। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस मैं अपलोड करूँ, रेगुलर रहूँ, और अगर नहीं कर पाती तो यार समझ जाइएगा कि थोड़ी सी मुझे ना अभी एडजस्ट होने में जो है टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो बस यही थी जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी, बोलना था। तो होप करती हूँ आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, है ना। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके कि मैंने सही किया या गलत किया, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है गाइस। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा मन किया तो। तो ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय। तो यहाँ पर मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है ये आप दिखा रही हूँ मैं आपको। तो अभी मैंने इसे ओपन तो कर ही लिया था, तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो ये है एक वेट लॉस कैप्सूल नेचर श्योर का, है ना। उसके बाद है ये जंक ऑयल